हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। यानी कि जो हमारा बैच है, स्प्रिंटर बैच, जो एसएससी सीएचएसएल 2020 जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो 2 अप्रैल या मई में होगा शायद, तो उसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बैच है। इसमें जो हमारा इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। वोकेबुलरी और ग्रामर पोर्शन में जो भी आता है, कंप्लीट कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, यानी कि एवरीथिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसका टारगेट इस बैच का हमारा एटलीस्ट 45+ रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक दो दिन में आपको PQRS और पैरा जंबल वगैरह, कम्प्रीहेंशन वगैरह भी, उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है बम्प इनटू। बम्प इनटू मतलब क्या होता है? बम्प इनटू या एक हमारा वर्ड आता है कोलाइड। इसका मतलब क्या होता है? टकरा जाना, यानी कि जब किसी से टक्कर हो जाती है या कोई भिड़ने के सेंस में आता है, तो वहाँ पर हमारा वर्ड आता है बम्प इनटू या कोलाइड। और एक हमारा यहाँ पर वर्ड देखने को मिलता है हेड ऑफ कोलाइजन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कभी आमने सामने टक्कर होती है, आमने सामने वाली जो टक्कर होती है उसके लिए हमारा वर्ड देखने को मिलता है हेड ऑफ कोलाइजन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वेटरन। वेटरन मतलब क्या होता है? वेटरन जो हमारा वर्ड है, ये आता है बेसिकली जो हमारे अनुभवी होते हैं, आप बोल सकते हैं कि वेल वर्स्ड जिसे बोलते हैं। तो मतलब अनुभवी, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उसके लिए हमारा वेटरन वर्ड आता है। और एक हमारा वर्ड आता है जिसे आप बोल सकते हैं सीजन, SEASONED। सीजन मतलब क्या होता है? जो वेटरन होते हैं, जो अपने फील्ड में अनुभवी होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है? जो भीख या जो भिक्षा जिसे कहते हैं, उसे आर्म्स मतलब भीख होता है। और बेगर आपको पता ही है, बेगर मतलब भिखारी। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब क्या होता है? वेनरेबल मतलब होता है जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, आप कह सकते हैं कि सम्मान, इज्जत या प्रशंसा के लिए हमारा वर्ड आता है वेनरेबल, सम्माननीय, उसके लिए हमारा वर्ड वेनरेबल आता है। और वेनरेबल से सिमिलरली उसके वर्ड आते हैं जैसे जिसे बोलते हैं रेवरेंड, REVERENDED, या फिर आप कह सकते हैं कोर्टियस, या फिर एक कह सकते हैं आप डिग्निफाइड, DIGNIFIED। डिग्निफाइड, कोर्टियस, रिवरेंट या वेनरेबल, सभी का मतलब होता है जो सम्माननीय होते हैं, उनके लिए हमारा वर्ड आता है। अगला लिखा हुआ है शैटर। शैटर मतलब क्या होता है? शैटर मतलब होता है बिखेर देना या छिद्रा देना या फैला देना। तो शैटर मतलब होता है बिखेर देना, और बिखेर देने के लिए हमारा वर्ड आता है शैटर, शैटरिंग करना बोलते हैं ना। अगला वर्ड है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब क्या होता है? कॉन्स्पायर होता है जो आपने देखा होगा कि षड्यंत्र रचने के लिए हमारा वर्ड आता है कॉन्स्पायर, और इसी से हमारा मिलकर बना होता है कॉन्स्पायरेशी, यानी कि षड्यंत्रकारी जिसे बोलते हैं षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र रचना होता है कॉन्स्पायर, ठीक है। तो कॉन्स्पायरेशी मतलब होता है षड्यंत्र। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या होता है? गिल्टी मतलब होता है जो दोषी, जिसे कहते हैं कल्प्रिट बोलते हैं, और जो गिल्टी पर्सन होता है जिसे दोषी व्यक्ति बोलते हैं, उसके लिए आता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। रिश्वत देने के लिए हमारा वर्ड आता है इंड्यूसमेंट, या आप बोल सकते हैं ब्राइब, घूस देने के लिए हमारा वर्ड आता है, या आप बोल सकते हैं जो इसे हुस मनी बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं किकबैक, KICK। तो ये किकबैक, हुस मनी, ये सारे अच्छे वर्ड हैं इंड्यूसमेंट, क्योंकि ब्राइब तो नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है, तो ब्राइब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जो हमारा हुस मनी है, किकबैक है, इंड्यूसमेंट, ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वाइस। वाइस मतलब क्या होता है? वाइस मतलब होता है पाप, इसे आप बोलते हैं शिन, ठीक है। और एक वर्ड आता है एविल। एविल मतलब होती है जो बुराइयाँ होती हैं, डीड्स जिसे बोलते हैं, बैड डीड्स, उसके लिए आता है।
नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड मतलब क्या होता है? ग्रसित। ग्रसित मतलब लिप्त आप बोल सकते हैं। और एक हमारा वर्ड आता है जिसे बोलते हैं टू इन्फ्लिक्ट इंजरी, इसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाने के लिए हमारा क्या आता है? टू इन्फ्लिक्ट इंजरी। नेक्स्ट है हमारा कैकोफोनस। कैकोफोनस मतलब क्या होता है? कैकोफोनस मतलब होता है अब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा नॉइजी। नॉइजी के लिए हमारा वर्ड आता है कैकोफोनस, या बोल सकते हैं शोरगुल या हल्ले से भरा हुआ। कैको वर्ड जो है इसको याद रखने का तरीका ये है, कैको जब वर्ड आता है तो हमेशा बैड के लिए आता है, और फोनस जो हमारा फोनी है, फोनी मतलब साउंड होता है, तो कैको फोनस वहीं से बना है। कैको मतलब बदसूरत और साउंड मतलब वॉइस। तो जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा बेकार होगी वो ऑब्वियस नॉइजी होगी। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लिखा हुआ ऑफेंड। ऑफेंड मतलब क्या होता है? ऑफेंड मतलब होता है अपराध करना। अपराध करने के लिए हमारा ऑफेंड आता है, और जो ऑफेंडर होता है उसे बोलते हैं अपराधी। डूम्सडे। डूम्सडे मतलब क्या होता है? डूम्सडे मतलब होता है विनाशकारी दिन। और एक हमारा वर्ड आता है डूमसेयर। डूमसेयर मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमेशा विनाश की बात करता रहता है, उसके लिए हमारा डूमसेयर वर्ड आता है। फेयर अबाउट्स। फेयर अबाउट्स मतलब क्या होता है? फेयर अबाउट्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो ठिकाना होता है, यानी कि वो कहाँ मिलेगा, ठौर या ठिकाना आप बोल सकते हैं। वेयर अबाउट्स बोलते हैं कि फेयर अबाउट्स, उसके लिए एक हमारा वर्ड बनाया गया है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का ठिकाना। एजिटेशन मतलब क्या होता है? एजिटेशन बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं उनको स्थिर करने के लिए, भड़काने के लिए हमारा वर्ड आता है एजिटेशन, या स्थिर करना, मूवमेंट को भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैग। गैग मतलब क्या होता है? गैग मतलब होता है गैग, या आता है वर्ड मफल, या आप बोल सकते हैं मजल, या एक हमारा वर्ड आता है इस्टिफल। इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का मतलब होता है आवाज़ दबा देना, और ये वर्ड डेली न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, मफल, मजल, इस्टिफल, एक गैग। चरण मतलब क्या होता है? चरण मतलब होता है मथना, जैसे कि मिल्क वगैरह होता है, दही वगैरह होता है, कर्ड, उसको हम लोग मथते हैं, तो उसके लिए हमारा चर्न वर्ड यूज किया जाता है, CHURN। नेक्स्ट है और चर्न आउट, यहीं से हमारा वर्ड बनता है चर्न आउट। चर्न आउट मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, सामने लाने के लिए हमारा वर्ड चर्न आउट यूज किया जाता है। चर्न मतलब होता है मथना, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये बेसिकली चर्न आउट कोई जैसे न्यूज़ हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीरअप। स्टीरअप मतलब क्या होता है? स्टीरअप मतलब होता है किसी चीज़ को इंसाइट कर देना, या आप बोल सकते हैं प्रोवोक, या फिर हमारा वर्ड आता है इंस्टिगेट, यानी कि भड़काना, या बोल सकते हैं उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है? एक्सप्लोड वर्ड यूज़ किया जाता है बेसिकली जैसे कि धमाका वगैरह होता है वॉलकैनो वगैरह का, तो जब ये बाहर की तरफ होता है एक्स, यहाँ पर आपको एग्जिट, जैसे एग्जिट होता है ना, तो एग्जिट मतलब एक्स जो वर्ड यूज़ करते हैं ये बेसिकली बाहर के लिए यूज करते हैं, तो एक्सप्लोड मतलब होता है जब धमाका होगा तो बाहर की तरफ होगा, तो हमारा वर्ड आता है एक्सप्लोड। तो गाइस ये थे आज के वोकैब्स, और मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इनको अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है, तो ये भी जो 2 महीने का समय है, तो इसमें आप अच्छी प्रिपरेशन करें, और सारा कुछ जो भी कंप्लीट सिलेबस आता है हमारा SSC CHSL की बात अगर करें, तो जो भी चीज़ें आती हैं हमारी, चाहे PQRS हो, पैराजम्बल हो, कम्प्रीहेंशन हो, और ग्रामर का पोर्शन जो भी हमारा है, सेंटेंस
कंप्लीशन या आप बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन करेक्शन सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो हमारा टारगेट होगा ये बेसिकली 45+ होगा, और आप जब भी इन क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 30 डेज़ वीडियो के बाद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वो कैप्स आपको देखने को मिलेंगी आपके जो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। और जो इस टाइम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यही सारे अच्छे वर्ड्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्शन है मेरा ये डेली न्यूज़पेपर से कलेक्शन किया हुआ है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए।